वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। इस दौरान नेपाल ने जनरल नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेपाल ने जनरल नरवणे को ये उपाधि उस वक्त दी है जब चीन की विस्तारवादी नीतियों की बदौलत LAC पर तनाव बना हुआ है। ये वही नेपाल है जिसे चीन ने अपने नापाक मंसूबों के चक्रव्यूह में फंसा लिया था, लेकिन लगता है ड्रैगन के शिकंजा कसने से पहले ही नेपाल चीन की चाल को समझ चुका है। इसीलिए नेपाल सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा ने आर्मी चीफ जनरल नरवणे को न्योता भेजा और नरवणे 3 दिन के दौरे पर नेपाल गए। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने एक विशेष समारोह में ऑनरी जनरल रैंक से सुशोभित किया। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस परिप्रेक्ष्य में जब भारत और नेपाल के बीच में कुछ तनाव सा महसूस किया जा रहा था, भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा बताना और नक्शे में उसे दिखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। ये एक दरार के रूप में देखी गई दोनों देशों के रिश्तों के बीच में। गुरुवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में नरवणे को सम्मानित किया गया। उन्हें इस सम्मान समारोह के दौरान एक तलवार और पुस्तक भी भेंट की गयी। इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली और नेपाल में भारतीय राजदूत विनय M क्वात्रा के अलावा दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत नेपाली जनरल को मानद जनरल की उपाधि पहले ही दे चुका है। नेपाली जनरल के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को जनवरी 2019 में ये उपाधि दी गई थी। पूर्ण चंद्र थापा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना की मानद जनरल की उपाधि से नवाजा था। जैसा कि 1950 से ये परंपरा चली आ रही है और जनरल पूरन चंद थापा जो नेपाली सेना अध्यक्ष हैं, उन्हें गत वर्ष जनवरी में भारतीय जनरल के ऑनरी रैंक से सुशोभित किया गया था। महत्वपूर्ण ये है कि दोनों सेनाएं इस तरह आपस में जुड़ी हुई हैं कि अन्य सभी बातें गौण हो जाती हैं। इस तनाव के बीच में 3 नेपाली अफसरों ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कमीशन भी प्राप्त किया और हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता पर किसी भी गोरखा रेजिमेंट के कर्मी को जरा सा शक नहीं और वो आपस में इतने ज़्यादा मिले जुले हैं। सामाजिक तौर पर और सेना के तौर पर हमारे जो संबंध हैं नेपाल के साथ, उन्हें अलग करना लगभग असंभव है। इस वक्त चीन और नेपाल के बीच के रिश्तों में भी दरार दिखाई दे रही है। हाल ही में ये खुलासा होने के बाद कि चीनी सैनिकों ने नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है। ड्रैगन ने नेपाल के इस इलाके में अब तक 9 भवनों का निर्माण किया है। उसके सैनिकों ने यहाँ नेपाली नागरिकों के आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। जैसा कि ड्रैगन की फितरत रही है कि वो किसी भी देश की जमीन कब्जाने के बाद दादागिरी दिखाते हुए उसे अपनी ही जमीन बताता है, ऐसा ही दावा उसने नेपाली जमीन कब्जाने के बाद भी किया है। इसे लेकर नेपाल में चीन का विरोध भी देखने को मिला। चीन के इशारे पर नेपाल ने कुछ कदम उठाए जो जिसके बाद उसे पछताना पड़ा और भारतीय रॉ के अध्यक्ष जब नेपाल गए उसके बाद कुछ तस्वीर साफ हुई और अब जब जनरल नरवणे वहाँ पर हैं, उनके 3 दिवसीय यात्रा में वे राष्ट्रपति के साथ सेना अध्यक्ष और वहाँ के प्रधानमंत्री ओली साहब से भी मुलाकात करेंगे और ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। ऐसे में नेपाल का भारतीय आर्मी चीफ को न्योता देकर नेपाल बुलाना और जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद उपाधि से सम्मानित करना, बस इतने में ही चीन तिल मिला उठा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।